देखने जाएगा तो वेस्ट इंडीज के सामने हारना बोलेंगे तो भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। एक्चुअली इंडियन टीम इज अंडर एस्टिमेटिंग द वेस्ट इंडीज टीम, बिलो एवरेज, वर्स्ट आई वुड से वर्स्ट, सबसे बड़ा खराब परफॉर्मेंस लगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जो परफॉर्मेंस है बहुत हाई लेवल पे था, लेकिन वेस्ट इंडीज से हार रहे ये हमको बहुत दुख भरा बात हो रहा है। दे आर सेंडिंग द यंग प्लेयर्स, दैट इज अ गुड थिंग दैट दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू न्यू टैलेंट, बट एटलीस्ट द ओल्डर बैच शुड बी देयर, टू और थ्री प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा और कोहली टू गाइड देम। वेस्ट इंडीज में जाके जिनसे आप आज मतलब पिछले आई थिंक 12 और 13 ईयर से कभी भी दो मैच इकट्ठे नहीं हारे हैं। वेस्ट इंडीज टीम इज वेरी टू मी, वो लोग बच्चे थे और उनके सामने भी हम लोग हार गए, मतलब इट इज, मतलब अभी गाली आ रहे हैं मुंह में, बट ये इट इज वेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस। आप आगे दो मैच हारते हैं जो भी जीत सकते थे, और ऐसा नहीं, आई थिंक सेकेंड में तो आप विनिंग पोजिशन में थे वेन यू लॉस्ट आई थिंक 4 विकेट्स इन द स्पैन ऑफ, ठीक है ना। सो वन वर्ड बोलें तो डिसअपॉइंट।